नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद और आप देख रहे हैं सीआरबी स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ओडीआई सीरीज शुरू होने जा रही है, हम आपको बताएंगे एक दूसरे की ममालिक कितनी दफ़ा हमने सामने हो चुके हैं और कौन कितनी दफ़ा कामयाब हुआ है। लेकिन जिन उसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 107 ओडीआई इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 55 मैचों में कामयाबी हासिल की जबकि 48 मैचों में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम। और होम की टीम में देखा जाए तो पाकिस्तान ने होम में 18 कामयाबी हासिल की जबकि न्यूजीलैंड जो है वो 26 मरतबा कामयाब हुआ है। अवे में अगर जाके देखें तो पाकिस्तान की टीम सिर्फ 4 दफ़ा कामयाबी हासिल कर चुकी जबकि अवे में 15 दफ़ा कामयाबी हासिल की है न्यूजीलैंड की टीम ने। अगर देखा जाए दोनों टीमों का सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है तो पाकिस्तान की टीम ने 364 रन बनाए हैं जो उसका न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे हाई स्कोर है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 369 रन बनाने में कामयाब हुई जो कि उसका पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। अगर सबसे कम स्कोर की बात करें, लोएस्ट स्कोर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ 74 है और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का 64 पाकिस्तान के खिलाफ सबसे लोएस्ट स्कोर है। और अगर सबसे ज़्यादा चेजिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने सबसे जो लोएस्ट स्कोर चेज़ किया है पाकिस्तान ने तो 146 पे जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने स्कोर किया और उस पर कामयाबी हासिल की। बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा चेज़ पाकिस्तान ने जो है 291 रन चेज़ किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 290 रन का टारगेट चेज़ किया है जो कि सबसे बड़ी कामयाबी है। और सबसे कम स्कोर में आउट होने के बाद कामयाबी हासिल जो की है पाकिस्तान ने वो 146 रन पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और सबसे जो कम लोएस्ट टोटल पर कामयाबी हासिल की है न्यूजीलैंड ने वो 187 है, 187 रन पे आउट होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड की तरफ से जो टॉप स्कोरर हैं उनके अब तक के वो हैं टेलर, जिन्होंने 8607 रन बनाए हैं जबकि उनके कप्तान विलियमसन भी जो है वो शानदार 7646 रन बना चुके हैं जबकि मार्टिन गुप्टेल भी 7346 रन बना चुके हैं। और बात करें नेथन एस्टल की जो 7000 रन बनाने में कामयाब हुए और उनके एक और कामयाब कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग जिन्होंने 8007 रन बनाए थे, तो ये वो कामयाब बैट्समैन हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो इंज़माम उल हक पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ओडीआई खिलाड़ी हैं और इस वक्त बाबर आजम जो हैं वो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं ओडीआई के अंदर, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिए, पिछले जो पूरा सीज़न था उनका बहुत ही शानदार रहा था। तो पाकिस्तान की टीम की अगर बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के बैटर भी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, इमाम उल हक ने पिछली सीज़न बहुत अच्छा खेला था और पाकिस्तान की टीम में जो नए फास्ट बॉलर शामिल हुए हैं जिसमें हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, हसनैन हैं, ये पाकिस्तान का पेस अटैक होगा। और जबकि स्पिन की बात करें तो पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद नवाज, उसामा मीर जो जिनकी वापसी हुई है बहुत ही शानदार स्पिनर हैं और पाकिस्तान की टीम जो है वो शानदार ऑलराउंडर पे भी मुश्तमिल है और पाकिस्तान की एक मुकम्मल जो है वो साइड है। अगर विकेट कीपर की बात करें तो रिजवान जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो ओडीआई में बहुत ज़बरदस्त फाइट करती है और पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ पता चलेगा कि जब टीमें आमने सामने आएगी तो कौन सी टीम किस पर शपथ लेके जाएगी। और ये जवाब मुकाबला हो रहा है नेशनल बैंक अरीना कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कोई नई वीडियो लेके, जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।